हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूं वो बहुत ही खतरनाक वीडियो है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हुआ है मुकाबला, कुश्ती का मुकाबला इंडिया के पहलवान और नेपाल के पहलवान के बीच में। जहाँ तक कि इसका अगर आप थंबनेल देख लेंगे तो वहीं पर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि थंबनेल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है पांच दुश्मन नेपाली खतरे में, और नेपाली बोल रहा है कि बचाओ मुझको, मौसम अली मार डालेगा, बचाओ मुझे। मतलब कोई एक पहलवान है जिसका नाम मौसम अली है, और उससे भाग रहा है एक नेपाल का पहलवान जिसके आगे लिखा है शेर, और वो एकदम खूनम खून हो रखा है भाई साहब। थंबनेल में आप देख रहे हो क्या खतरनाक एडिटिंग करी हुई है। तो जब असली चीज़ है वो हमें देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या है पूरी कहानी और कौन जीतता है इस कुश्ती को। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वीडियो है ये हम देख रहे हैं स्टार दंगल के यूट्यूब चैनल से, जिसके 2.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इस वीडियो के भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। और चलिए देखते हैं इस वीडियो को, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। भाई ललकार हो रही है डायरेक्ट। क्या बात, दूर से के देखता नजदीक आके देख, बातें बना छोड़ो नेपाल से पुष्टि लेके दिखाता आ जा। क्या बात है, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे साथ मेरा इधरो इधरो मेरा चेन्नई है इधरो, आगे की तुम आ जा, इनसे लड़ो मेरे नाम में प्लीज कर। और ये लकी थापा पहलवान, लकी थापा पहलवान नेपाल काठमांडू, हमारे रेफरी ने 12 मिनट पुष्टि की है क्योंकि पहलवान बहुत आए हुए हैं। भाई दावा ना बता रहा, भाई ये दावा बता रहा है, भाई सुना रहा है, ये पहलवान ये गलत बात है भाई, ओ पहलवान हेलो, ओ पहलवान पहलवान ये दावा बता रहा है, देखो एक मिनट गुरु जी, ओ पहलवान जी सुनिए, जो बता ना घर से बता के लिए आया करो दंगल में, मेरे साथ भी पहलवान बैठे, मौसम अली बैठे, पहलवान जी भी बैठे, वो भी तो चाहते थे दाजी ना देते, हमारे उस्ताद भी बैठे हैं पर ये लोग हमें आके बता ना रह के दाव, जो दाव बताना चाहिए वो खड़ा ना बता के लाया करो पहलवान जी। हेलो देखिए वो मोटा से पहलवान देखो गाली दे रहा है, देखो पहलवान गाली मत दो, अगर मैंने नेपाली में गाली दे दिया है ना तो समझ में नहीं आएगा, समझ में ठीक है ना, देखो आगे ना तुम्हारा साथ लगेगा ना थोड़ा लगेगा,
कर लो भाई हजारों डरने वाले बॉलर्स हुए 12 मिनट दोस्तों टाइम देख के रखे भाई बहुत जबरदस्त दोस्तों बंदर की बहुत अच्छे चमार हो गए बड़ा टाइम बड़ा पीछे भाग रहा पीछे अरे भागने नहीं देंगे पीछे बन जाए इतना मार खतरनाक होती है अरे अंदर तो आने का खाने में तो मिट्टी गिर रखी नाक में मुंह में आंख में हर जगह से मिट्टी भर दी उसके वाले के बीच में खड़े थे मैं पुस्तक दी जाने बीच में बीच में मिट्टी मिट्टी गिर दी ना उसके आंखों में नाक में आंख में वो देख तो फिर मिट्टी गिर दी यहाँ से छोड़ दे वो मांगी रहा है मौसम मौसम बात बात सुन लो मेरे रोकन खड़े रोकन हेलो एक मिनट सुनो पहलवान की ऐसी कुश्ती होती है आपने बता दीजिए ऐसी कुश्ती नहीं 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 ऐसी कुश्ती नहीं होती सुनिए मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जब भी हमारे नेपाल में कुश्ती होती है ना तो गाना बजती है अगर आप लोग कहेंगे तो हम गाना बजा सकते हैं हाँ बजाओ बजाओ ठीक है भैया गाना बता दीजिए आ जा रही इंसान देखो बदतमीज कर रहे देखो चल इंसान जो गाने लगा दियो गुरु जी एक मिनट देखिए जब भी हमारे नेपाल में कुश्ती होती है ना तो दूसरे के
भाई कोई वक्त लगेगा, कोई मैच लगाने वाला नहीं लगेगा। शाबाश है, बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त कुश्ती चल रही है भाई, मारो नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला है, मार कितना मारो उसे तू, ओ भाई रेक्का भर गया, घर से लड़े कर क्या बात है, रेक्का भर गया भाई, है देखो विदेश से चल कर आया है, हमारा मेहमान पहलवान है, हमारे हिंदुस्तान में आया है, चलो बहुत बढ़िया, भाई कसम से क्या खतरनाक, मतलब ये क्या आधा ही वीडियो, मतलब पूरा वीडियो नहीं दिखाया, मतलब वो उठा उठा के पटक रहा है इसके अंदर, पूरा वीडियो हम लोगों को दिखाया ही नहीं दोस्तों, पूरा वीडियो देखते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, मैं देखता हूँ इस पर रिसर्च करता हूँ कि पूरी वीडियो मुझे कहाँ मिलेगी, अगर आप लोगों को पता है कि पूरी वीडियो कहाँ मिलेगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने देखा, मतलब एक तो ये ऑलरेडी यार 11-12 मिनट की वीडियो, उसके बाद वो आधा ही दिखाया, जब नेपाली बंदे ने मारना शुरू किया, गाना जब बजा और जो पटकना शुरू किया, उसके बाद एकदम से मज़ा आने लगा था, एकदम जोश आ गया था, लेकिन उसके बाद ये वीडियो पूरा का पूरा मतलब है ही नहीं, पूरा खतर एकदम बीच में से ख़त्म कर दिया, बाकी वीडियो कहाँ मिलेगी, मतलब शुरू में तो सब कुछ दिखाया कि दो ग्रुप आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर एकदम से फिर नेपाली की और उसकी लड़ाई हो जाती है, दोनों इसके लिए अपना दंगल के लिए खेलना शुरू करते हैं, देव थापा नाम है, दोनों आपस में खेलने के लिए शुरू करते हैं, फिर स्टार्टिंग में उसको खूब चीटिंग वीटिंग करता है, खूब मारता है बंदा, लेकिन जब नेपाली बोलता है भाई, जब हमारे नेपाल में कुश्ती होती है ना तो हम लोग गाना बजता है वहाँ पे, डीजे बजता है, सॉन्ग बजते हैं, और मतलब जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट हुआ उसने ऐसे पलटा मारा और उसको उठा उठा के जो पटका भाई था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया देखने के बाद, एकदम से एनर्जी सी आ गई गाने सुनते, ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या हो जाता है नेपालियों को गाना सुन के, जरा मुझे कमेंट से बताइए, मैं भी जानूँगा ऐसा क्या हो जाता है गाना सुन के, एकदम से बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और सबको उठा उठा के पटकने लगते हैं। आप लोग बताइए कैसी लगी आपको ये कुश्ती और इसकी पूरी वीडियो, अगर आपको पता है तो कमेंट मुझे लिंक और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर इंस्टा और फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अपने रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्यार यूँ बरकरार रखिए, मुझे यूँ सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं और बेहतर वीडियो ले जाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।